अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि मुल्तान बोर्ड ने एक ऐलान किया है पेपरों के हवाले से, फर्स्ट ईयर के पेपरों के हवाले से। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमारे पेपर कब होंगे, कैसे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पे गाइड करने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड हैं आप लोगों के जो पेपर हैं वो 20 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुल्तान बोर्ड की तरफ से जो न्यूज़ आई है, लेटेस्ट न्यूज़ आई है, वो मुल्तान बोर्ड की तरफ से ये है। वो कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस का जो ये मरीजों का ग्राफ है ये अभी फिलहाल अपवर्ड जा रहा है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है, अगर आने वाले चंद दिनों में यानी 20 अप्रैल तक अगर ये ग्राफ जो है नीचे आना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा, हम जो है फर्स्ट ईयर के पेपर ले लेंगे। और ताकि और ये पेपर जो है 20 अप्रैल के बाद वो स्टार्ट करेंगे और एक दिन में एक्सपेक्टेड है कि दो पेपर हों आप लोगों के। तो आप लोगों ने पेपरों की तैयारी रखनी है। एक और बात आप लोगों को मैं बताता चलूं, आप लोगों के पेपर जरूर होंगे, 9th क्लास के पेपर भी होंगे और 11th क्लास के पेपर भी होंगे, क्योंकि बच्चों अक्सर ये हुआ है कि इंडिया के में भी कोरोना वायरस है, पूरी वर्ल्ड में कोरोना वायरस है, तो इंडिया ने कुछ बच्चों को, कुछ बोर्ड्स ने इंडिया के बगैर पेपर लिए बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब बोर्ड है, ये फेडरल बोर्ड है, वो उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि ये चैनल जो है ई स्कूल ओनली फॉर यू बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप लोग इसको विजिट करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करते जाएंगे। फिलहाल हम लोग अपलोड कर रहे हैं वीडियो फिजिक्स के कोर्स की, और फिजिक्स का कोर्स 9 to 12 क्लास तक। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, फिर कब करना है, अब नहीं करना तो फिर कब करना है, करें जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में जरूर याद कीजिएगा।